नौजवान अज़्म मुसम्मम लेकर उठना कि नबी की सुन्नत को जिंदा अगर करना है, शादी ही तो करना है। निकाह के मौजू पर खास तौर से पॉइंटेड बात आपके लिए इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं कि दूल्हा तैयारी करके आ गया इसलिए बोलना है, इसलिए कि आइंदा जो मजमा है वो कम से कम इकरार कर ले, जो गलतियां हो गई वो दोहराई नहीं जाएगी। आइंदा जो मजमा है, अभी जो मजमा बैठा हुआ है, हर बाप अपने औलाद के लिए तहिया करे, मुझे निकाह में सादगी को लाना है। ये इज्तिमाई शादियों का मकसद भी सादगी पैदा करना, घोड़ा बाजा गाजा शेरा हल्दी मेहंदी सारी रस्मों से इंसान बचता है। अजी घोड़े पर ही कितना पैसा लोग खर्च कर देते, दो टांगा का पटकना शुरू करता, सारे पैसे उसी पर खर्च होते। उसके सामने चार छह लोग नाचने वाले, एक बारात जा रही थी, एक अल्लाह वाले भी उधर से गुजरे, बाजू में उनके साथी भी थे, कुछ लड़के लोग दूल्हे के सामने नाच रहे थे। तो अल्लाह वाला ने कहा, तुम्हें पता है ये लोग नाच नाच के क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, नाच नाच के ये कह रहे, अल्लाह तुम्हें काय को मरद बनाया, हिजड़ा बनाता तुम इतना अच्छा था, सारी जिंदगी नाचते थे, आज एक ही दिन नाचना पड़ रहा। नाच गानों में न जाने कितनी गलत नाजायज रस्मों में हमारा पैसा खर्च होता है। जितना पैसा हम लहू लईब में खर्च करते हैं, उतने पैसे में किसी गरीब बेटी की शादी हो सकती है। कितनी बेटियां ऐसी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, हसब नसब ऊंचा खानदान भी है, महज इस वजह से बैठी हुई है कि इंटरनेशनल फकीर जब घरों पर आते हैं और इनके दरों दीवार पर कुछ बर्तन नजर नहीं आते, वापस चले जाते हैं, इनके घर में खाने को बर्तन नहीं, ये अपने को क्या देंगे, इनके घर से क्या मिलेगा। और किसी कयूर बाप ने अगर अपनी चीजों को गहन रख करके कर्ज ले करके अगर उसकी मुराद को पूरी भी कर दिया, तो ससुराल में फिर ये ताने मिलते हैं, तेरे बाप ने ये अलमारी दिया पतली, लात मारो तो टूट जाती, ऐसा पलंग दिया सनमाइका धक्के से टूटने वाला, ये कपड़े दिए 400 रुपए वाले, जो फटने वाले कपड़े हैं, टूटने वाले ठीकरे और बर्तन हैं, उन चीजों पर नजर तो होती है आने वालों की, उस पर नजर नहीं होती जिस बाप ने अपने जिगर गोशे को 18 साल तक पाल परोसने के बाद में उसको तकलीफ नहीं दिया, उसकी आंखों में आंसू नहीं देखा, ना जो राम से पाल कर जिस बेटी को एक बोल पर तेरे हवाले किया है, उस गोहरे नायाब को कोई नहीं देखता। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर हमने इसको मुश्किल तरीन बनाया निकाह को, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि बेटियां भागने पर मजबूर होगी और हो रही है। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।